जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए नए घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ जो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप पार्टीज़ वगैरह स्टार्ट होने वाली हैं और त्यौहार आने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो उससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो पहला मेरा घरेलू नुस्खा है, अब आप देखिए कि मैं उसमें क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो पहले हम फर्स्ट लेंगे ये 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, ये देखिए ये 2 चम्मच हमने कॉफ़ी ली, एंड 1 चम्मच मिल्क पाउडर। ये सूखा मिल्क पाउडर आता है तो आप उसको ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप। 1 चम्मच आप इसको डालिए इसमें, एंड देन इसमें हनी थोड़ी सी मिक्स करनी है। हनी जो होती है एंटी बैक्टीरियल होती है और आपकी स्किन को बहुत टाइटनिंग देती है, इससे फ्रेंड्स रिंकल्स भी कम होते हैं और बहुत अच्छा ग्लो भी देती है। तो आप ये नॉर्मल हनी भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आप ऑर्गेनिक हनी यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगी। वैसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ऑर्गेनिक करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो इसमें 1/2 चम्मच हनी डाल देंगे हम और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसको अच्छी तरह से फ्रेंड्स मिक्स करना है, देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसमें मिल्क के जो हैं लम्स नहीं रहने चाहिए, ये इस तरह से मिक्स करने के बाद अब अपने फेस पे अप्लाई कीजिए इसको। आप पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए किसी भी फेस वॉश से या जिससे आप करते हैं, क्लीजिंग मिक्स से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए हल्के हाथों से, ये इस तरह से हल्के हाथों से आप मसाज करते हुए इसको अप्लाई कीजिए। ये फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा और पहले ही एप्लीकेशन में आपको इसका इफेक्ट नज़र आने लगेगा कि आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी और बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी। तो इसको आपने जब कहीं जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी इसको आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए इसको रखिए और फिर उसके बाद उसको क्लीन कर दीजिए। 20 मिनट के बाद आप इसको ऐसे कॉटन पैड से या कोई भी आपका जो कॉटन का क्लॉथ होता है उससे भी आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये इस तरह से क्लीन कर दीजिए फ्रेंड्स। वैसे अगर आप धोना चाहें तो इसको धो भी सकते हैं, बट अगर आप किसी भी कॉटन पैड से यह करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। उससे क्या होता है कि हमारी डेड स्किन भी निकल जाती है साथ साथ, तो बहुत अच्छा मतलब लगने लगता है। आप करके ज़रूर देखिएगा मेरी इस सलाह को कि कॉटन पैड से आप कोई भी जो फेस पैक होता है उसको धोइए, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। दूसरी होम रेमेडीज़ में हम लेंगे 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, एक चम्मच बेसन। बेसन फ्रेंड्स अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप ऑर्गेनिक लेंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं लेंगे तो भी नॉर्मल है, ठीक है, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच फ्रेंड्स आपने कर्ड लेनी है, दही लेनी है, एंड 1 चम्मच हनी, हनी से फ्रेंड्स बहुत अच्छा ग्लो आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये स्किन टाइटनिंग का भी काम करती है और एंटीबैक्टीरियल है, ये आपकी स्किन को ग्लो बहुत देगी। और ये लेमन जूस, तो लेमन जूस भी है जो ब्लीच का काम करता है, आपकी स्किन को ब्लीचिंग भी करता है, तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। आप इससे स्किन तो बहुत ज़्यादा ग्लो होती है, तो 1 चम्मच हम इसमें ये मिलाएंगे, उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ये गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस और भी डाल सकते हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं, क्योंकि लेमन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है, और जो चीज़ विटामिन सी से भरपूर होती है तो वो आपकी स्किन को ग्लोइंग देती ही देती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देती है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, कर्ड यानी कि दही को कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको मिक्स करने के बाद आप अपनी स्किन को क्लीन करने
लीजिए। क्लीन करने के बाद आप इसको लगा लीजिए। फ्रेंड्स आपको ब्रश से भी ये लगा सकते हैं, ब्रश से लगाएं चाहे हाथों से लगाएं, किसी भी तरह से लगाएं और बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज 5 मिनट। जैसे आप फेस पैक लगाएंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से ये पैक लगाएंगे, ये इस तरह से फिंगर टिप से आप मसाज करते हुए लगाइए। इसको फ्रेंड्स 20 मिनट रहने देना है। और जब भी आप पैक उतारें, कोई भी पैक लगाएं, तो आप उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, क्योंकि जब वो पैक थोड़ा सूख जाता है तो उसको एकदम से उतारने से आपके स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं और थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी उसे थोड़े से रिंकल भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। जब भी आप उतारें तो आप पैक को गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आप उसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए उतारिए। चाहें तो आप उसको धो सकते हैं, मगर मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया था, या तो आप इस तरह का कॉटन पैड ले लीजिए जो मैंने आपको पहले दिखाया था, या इस तरह का माइक्रोफाइबर कपड़ा आता है मार्केट में, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। मैं खुद भी इसको यूज़ करती हूँ, जब भी कोई आप पैक लगाते हैं तो उसके बाद इस माइक्रोफाइबर कपड़े को गीला करके, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको आपको 20 मिनट तक लगा रहना था। 20 मिनट के बाद आप इसको इस तरह से हल्के हाथों से उतार लीजिए, क्लीन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी भी आप देखिए कि मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाया आपको दिखाने के लिए, मगर देखिए कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो आया है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए कि आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और ये एंटी रिंकल भी है, एंटी एजिंग भी है, ग्लोइंग भी है, इसमें सब कुछ है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये घरेलू नुस्खे अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कमेंट्स का भी मैं ज़रूर वेट करूँगी कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको मतलब अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और आप मुझसे क्या देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या मतलब कि सीखना चाहते हैं। मैं तो खैर आपको सिखाने वाली तो कोई भी नहीं हूँ, बट जितनी मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको बता सकती हूँ, और ये नॉलेज मैंने बहुत अच्छे से सीखी है तो आपको मैं बता सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे ये भी बताइए कि आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी डालने की कोशिश करूँगी। और इसी तरह से आप फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, मेरी फैमिली के मेंबर्स बनिए, और आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और फ्रेंड्स आप दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्दी ही वीडियो डालूँगी। तो फ्रेंड्स ओके, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।